अगले 48 घंटों बाद पहले चरण के मतदान होने हैं। नागपुर और रामटेक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसके लिए नागपुर जिले की सभी तैयारियां होने वाली है, जिसकी जानकारी आज जिलाधिकारी विपिन इटनकर ने पत्रकारों को दी। नागपुर जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए करीब 30,000 से 35,000 कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में संवेदनशील इलेक्शन पोलिंग बूथ पर पूरे तरीके से निगरानी रखी जाएगी, साथ ही पुलिस के सभी दलों को पोलिंग बूथ की रक्षा के लिए तैनात किया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ पोलिंग बूथ पर विभिन्न थीम रखी गई है। आने वाले 19 तारीख को परसों नागपुर में इलेक्शन का वोटिंग होने वाला है। इसमें प्रशासन की पूरी तैयारी हो गई है। लगभग 30,000 से 35,000 कर्मचारी अपने पोलिंग केंद्र पे अपना ड्यूटी करेंगे, उसके साथ पुलिस के कर्मचारी भी रहेंगे। तो मेरी एक ही सभी से विनंती है कि घर पे ना बैठते हुए सभी मतदाताओं ने अपना घर से बाहर निकल के अपने निकटतम जहाँ पे आपका एनरोलमेंट हुआ है वहाँ पे जाके वोटिंग करके नागपुर को 75% मार्क्स के साथ अपने को पास करना है। थैंक यू। वही जिलाधिकारी ने बताया कि पोलिंग बूथ पर कोई धांधली ना हो, इसलिए पुलिस बल का भी कड़ा बंदोबस्त रहेगा। साथ ही शराब और पैसों का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए ना हो, इसलिए ऑब्जर्वर भी रखे गए हैं। ऐसा अगर नजर आता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR भी की जाएगी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।